खैर ये वीडियो में बता नहीं पाया था जनता कर्फ्यू के कई फायदे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि घर बैठना नुकसान ही करता है। बहुत लोग तो ये सोचते हैं ना कि क्या काश कुछ ऐसा हो जाए कि कई समय तक हम घर पे बैठें, हमारी सैलरी भी ना कटे, हमारी अटेंडेंस भी ना कटे, तमाम ऐसी चीज़ें हों। ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली होता है, तो घर बैठना चाहते हैं तो घर बैठे हो यूटिलाइज़ करो। किसी के मन में कोई बिजनेस आइडिया है तो उसको फॉर्म करो, उसके लिए तैयारी करो। किसी को कोई ISPCS या कोई कंपटीशन क्रैक करना है उसके लिए पढ़ाई करो, सारे एग्जाम टल चुके हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन करो। किसी को कोई कंपटीशन, कोई गेम, कोई इंटरनेट, कोई वेब डिज़ाइनिंग, कोई घर पे बैठ के यूट्यूब पे कोई कोर्स करना, कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्चुअली पॉसिबल है, जो डिजिटली पॉसिबल है, ऑनलाइन से हो सकता है, सोशल मीडिया से हो सकता है, हर वो चीज़ जो आप घर बैठे कर सकते हैं आपके लिए, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं, उसके कोई रिपरकशन भी नहीं है कि आप घर बैठे हैं तो कुछ नुकसान करके बैठे हैं, क्योंकि हर चीज़ बंद है, आपका कुछ लिया नहीं जा रहा है। तो कोई कुछ भी, चाहे पबजी का कॉम्पिटिशन जितना हो, चाहे कुछ भी, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ऑनलाइन नहीं देख पाते हैं, उसको एक्सप्लोर करिए, घर रह के यूटिलाइज़ करिए। और ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके पास वो टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हों, उसको ना और स्प्रेड करें। तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए। वीडियोस, न्यूज़ या फिर कुछ भी चीज़ को शेयर करने से पहले जांच लें कि सही है नहीं है, उसके डाटा को समझ लें, और ये न्यूज़ स्प्रेड करें लोगों के थ्रू कि बचाओ, खुद बचो और ये चेन तोड़ो बस। और अगर आपको सिम्टम्स अपने अंदर नज़र आए तो ये सब चीज़ें करते वक्त भी अपने आप को और लॉकडाउन कर लें। एक घर में है तो उस घर के एक कमरे में सीमित हो जाएं, अपने परिवार वालों से दूर रहें। तो खैर ये सब बातें मैं हर वीडियो में 10 बार बता सकता हूँ, लेकिन करना आपको है ये। लेकिन इस सिचुएशन का सिर्फ नुकसान ही है ये देखना भी सही नहीं होगा। हर सिचुएशन अपने साथ नुकसान लाती है तो फायदा भी लाती है, और फायदा लाती है तो उसका नुकसान भी होता है, तो दोनों पहलू होते हैं। नुकसान हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं, उसी की बातें हो रही हैं हर तरफ, लेकिन फायदा भी है और उतने ही ग्रैंड स्केल का है। तो देखने वाली बात है कौन इसमें अपॉर्चुनिटी देखता है, कौन इसको थ्रेट की तरह देखता है। जय हिंद, वंदे मातरम।